हेलो वेलकम सैलरी चैनल और इस हफ्ते वीडियो में आपका स्वागत है इस हफ्ते आपके साथ लीवरेज के ऊपर डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास काफी क्वेश्चन आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर और ईमेल बॉक्स में भी कि लीवरेज के ऊपर कैसे यूज करनी है तो इसीलिए मैं आपके साथ ये एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ जिससे आपके काफी डाउट्स यहाँ पर क्लियर होंगे मेनली क्वेश्चन है कि लीवरेज क्या है कि लीवरेज यूज करनी चाहिए कि नहीं यूज करनी चाहिए ये गुड है या बैड है हाउ मच वी कैन यूज इट मतलब कि बिगिनर को कितना यूज करना चाहिए को कितना यूज करना चाहिए और इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या है और इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स बहुत सारे क्वेश्चन है जो आते रहते हैं तो इसलिए मैं इसके लिए ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ तो सबसे पहले अगर समझना चाहे लिवरेज क्या है तो आसान भाषा में अगर बताना चाहूँ लिवरेज का मतलब है कि एक परचेजिंग पावर जो आपको ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं तो मान लीजिए मेरे पास एक रुपये है और वो मैं मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ और अगर मैं वन इज टू हंड्रेड मतलब कि मैं एक रुपए लगाता हूँ हंड्रेड की लीवरेज यूज करता हूँ तो मैं सौ रुपए की चीज मार्केट में खरीद सकता हूं तो ये मेरी एक परचेजिंग पावर है ट्रेडिंग पावर है इतने का माल मैं खरीद सकता हूं ये कोई आपका बैलेंस नहीं है कि ब्रोकर आपको प्रोवाइड करेगा ये जस्ट एक परचेजिंग पावर आपके अकाउंट में ऐड हो जाती है तो आप बहुत कम अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और आपको इतनी अमाउंट मिल जाएगी जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं डिपेंड करता है कि आप कितनी यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है क्या हमें को यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा की स्टॉक और फॉरेक्स में डिफरेंस क्या होता है स्टॉक्स में क्या होता है क्योंकि स्टॉक्स में मार्केट जो मूवमेंट करती है वो बहुत ज्यादा मूवमेंट करती है आपको टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट या ट्वेंटी परसेंट इतनी तक की मूवमेंट आपको मिल जाती है स्टॉक मार्केट में इसलिए वहां पर आपको मार्जिन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती जितने का जितना आप पैसा लगाते हैं उतने का ही आप स्टॉक खरीदते हैं या वन इज टू टू इतने का वहां पर मार्जिन रखना पड़ता है पर फोर में क्या होता है फोर में इतनी मूवमेंट नहीं होती है किसी भी करेंसी पेयर में आप देखेंगे वन परसेंट थ्री परसेंट या इसके आसपास इतनी मूवमेंट मिलती है किसी एक दिन में इससे ज्यादा मूवमेंट बहुत रेयरली मिलती है तो यहाँ पर इतनी मूवमेंट तो है नहीं है दूसरा तो फिर यहाँ पर अगर आपको प्रॉफिट कमाना है अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल है हंड्रेड डॉलर या फाइव हंड्रेड डॉलर अगर आप वो इन्वेस्ट करेंगे तो इतनी मूवमेंट में आपको क्या प्रॉफिट होगा आप उससे कमा नहीं पाएंगे कुछ भी इसीलिए ब्रोकर आपको यहाँ पर लिवरेज प्रोवाइड करते हैं क्योंकि यहाँ पर या तो आपके पास मूवमेंट होनी चाहिए मार्केट में इतनी ज्यादा या फिर आपके पास कैपिटल होनी चाहिए अगर आपके पास बड़ी कैपिटल होगी तो छोटी मूवमेंट से भी आप कमा सकते हैं पर अगर आपके पास मूवमेंट ज्यादा होगी तो आप छोटी कैपिटल से भी कमा सकते हैं पर यहाँ पर मूवमेंट नहीं है इसलिए ब्रोकर आपको एक लीवरेज का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि आप लीवरेज यूज करके अपनी कैपिटल को बढ़ा सकते हैं और आप आप उससे ट्रेड कर सकते हैं तो आप छोटी अमाउंट से भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आप सही से लीवरेज को यूज करें तो जस्ट तो फॉर एक एग्जांपल यहां पर मान लीजिए आपको हंड्रेड थाउजेंड का ट्रेड करना है तो हंड्रेड के ट्रेड करने के लिए अगर आप वन इज वन की लीवरेज करने हैं तो आपको अकाउंट में हंड्रेड इतना होना चाहिए बैलेंस पर अगर मैं वही टू इज टू वन की लीवरेज यूज करता हूँ तो मेरा मार्जिन आधा हो जाएगा फिफ्टी थाउजेंड इतने ट्रेड करने के लिए फिफ्टी हंड्रेड टू हंड्रेड तक जाते जाते आपकी जो मार्जिन है मतलब कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस होना चाहिए ट्रेड करने के लिए अगर मैं 250 डॉलर इन्वेस्ट करता हूं 4 to, 400 to की लीवरेज यूज करता हूं इतने का माल मैं मार्केट से खरीद सकता हूं तो ये चीज थोड़ी बहुत वेरी भी कर सकती है कहीं पर ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि डॉलर की वैल्यू किसी करेंसी के अगेंस्ट ज्यादा होती है किसी करेंसी के अगेंस्ट कम होती है तो मोटा मोटा अगर आप यहाँ पर समझे तो ये आपकी इतनी परचेजिंग पावर हो जाती है अब, अब कहेंगे कि इसमें ब्रोकर को क्या फायदा? और बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि क्या हमें इस इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या अगर मैंने ये पूरा अकाउंट लूज कर दिया उसके बाद मेरे को ब्रोकर को ये पैसे वापस देने पड़ेंगे जो मैं लीवरेज यूज कर रहा हूँ तो जस्ट एक बेसिक क्वेश्चन तो सबसे पहले अगर हम देखें इसमें ब्रोकर का बेनिफिट क्या है क्योंकि ब्रोकर का बेनिफिट है जितना आप ज्यादा ट्रेड करें जितने बड़े लोट लें उतना ज्यादा वो कमीशन कमा सकते हैं उतना ज्यादा उनको स्प्रेड मिलेगा तो उनकी इनकम ज्यादा होगी तो इसीलिए वो चाहेंगे कि आप लीवरेज ज्यादा से ज्यादा यूज करें ताकि आपका लोट भी ज्यादा हो और उनकी कमाई ज्यादा हो तो लीवरेज उनके लिए बहुत ही अच्छा टूल है जितना वो प्रोवाइड करें और आप जितना यूज करें उनकी कमाई अच्छी होगी दूसरा क्वेश्चन कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा ब्रोकर जो ये आपको मनी प्रोवाइड करते हैं लीवरेज प्रोवाइड करते हैं इस पर आपको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है ये जस्ट एक वर्चुअल मनी है परचेजिंग पावर है इतनी वैल्यू की चीज आप मार्केट में खरीद सकते हैं वो वो कोई आपको रियल में मनी ये प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो इसलिए आपको इस पर कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है तीसरा आप कहेंगे कि मेरा अकाउंट अगर लूज हो गया मेरे सारे पैसे चले गए तो क्या मेरे को ब्रोकर को वो पैसे वापस लुटाने पड़ेंगे जो मैंने लीवरेज के लिए यूज किए बिल्कुल नहीं लुटाने पड़ेंगे क्योंकि वो जैसा मैंने बोला एक वर्चुअल मनी है जस्ट एक एक्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर

यहाँ पर ब्रोकर कुछ लूज नहीं करेगा केवल आपकी मनी जितनी आपके अकाउंट में पैसे थे केवल वही लूज होंगे और आपका अकाउंट बैलेंस जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर ब्रोकर का कोई लॉस नहीं है वो केवल आपको एक वर्चुअल ट्रेडिंग पावर दे रहा है कोई रियल मनी नहीं दे रहा है तो इसलिए उसकी कोई रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व ही नहीं है जैसे ही आपकी हंड्रेड डॉलर की यहाँ पर पोजिशन माइनस में गए आपकी पोजिशन क्लोज हो जाएगी ब्रोकर का कोई यहाँ पर लॉस नहीं होगा अब आगे चलें आप पूछेंगे कि इसमें हमारे लिए ट्रेडर्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं इसमें कैसे हम यूज कर सकते हैं कैसे नहीं यूज कर सकते हैं तो सबसे बड़ा फायदा हमारे लिए है कि सबके पास इतनी कैपिटल नहीं होती है और मार्केट में इतनी मूवमेंट नहीं है तो आप छोटी कैपिटल से भी इन्वेस्ट करके यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आपको लीवरेज यूज करना आता हो तो कोई भी फ्लक्चुएशन होगी मार्केट में आपने हंड्रेड डॉलर लगाए ज्यादा की लिवरेज यूज करी कोई भी फ्लक्चुएशन हुई मार्केट में आपके फेवर में गई तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है आप अकाउंट डबल भी कर सकते हैं एक दिन में ये हो सकता है यहाँ पर पॉसिबल है उसी तरीके से आप प्रॉफिट तो ज्यादा कमा सकते हैं आपके चांसेस क्या है

प्रोवाइड तो को, कोई भी ब्रोकर वहां से जो रेगुलेटेड होता है वो वन इज टू थर्टी इससे ज्यादा की लीवरेज नहीं देता है उसका रीजन है क्योंकि वहां पर लोगों के पास पैसा है तो ठीक है वो इन्वेस्ट कर लेंगे उनको ज्यादा लीवरेज की जरूरत भी नहीं है और रेगुलेटर भी चाहेगा की ट्रेडर्स ज्यादा पैसे लूज ना करेंगे क्योंकि ये रेगुलेशन ने लिमिट लगाई हुई है ब्रोकर को कि इससे ज्यादा आप दे नहीं सकते हैं किसी भी ट्रेडर को क्योंकि वो ज्यादा रिस्क लेंगे तो उनका पैसा भी ज्यादा जल्दी डूबेगा तो इसलिए वो चाहते हैं कि किसी ट्रेडर का ज्यादा पैसा ना डूबे और इसलिए वन इस तो की यहाँ पर लिमिट लगा दी है पर यहाँ पर अगर आप आए इंडिया में या एशियन किसी कंट्री में यहां आपको आपको हर एक ब्रोकर जो है वन तक की लीवरेज देता है उसका रीजन मैं समझता हूँ ओके सबके पास इतना पैसा नहीं है दूसरा यहाँ पर रेगुलेशन इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है तो इसीलिए तक की लीवरेज आप यूज कर सकते हैं तो इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज ने फॉरेक्स को इसीलिए बैन किया हुआ है और ग्रे स्केल में है कि आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि जो ट्रेडर होते हैं वो जल्दी ज्यादा लीवरेज यूज करते हैं और अपने जल्दी अकाउंट डुबोते हैं अगर उनको लीवरेज का सही पता नहीं है कितना यूज करें और ज्यादा से ज्यादा वो यूज करते हैं अगर मेरे से आप पूछें आइडियली कितनी यूज करनी चाहिए मैं कहूंगा आप अगर बिगिनर में है 100 से नीचे नीचे की लीवरेज यूज कीजिए मैक्सिमम आप 200 तक जा सकते हैं इससे ज्यादा ना जाएं अगर एक्सपर्ट लेवल तक के भी हैं आप बहुत ही एडवांस लेवल के ट्रेडर हैं आप 500 यूज कर सकते हैं या 2000 तक यूज कर सकते हैं मोस्टली जो ब्रोकर इंडिया में वो फाइव तक प्रोवाइड करते हैं एक्सनेस हाँ, जो ब्रोकर है वो टू तक की लीवरेज प्रोवाइड करता है आप 1 रुपी लगा के मतलब वन डॉलर लगा के टू तक का या सेल कर सकते हैं जो की बहुत ही हाई लिवरेज है जब तक आप एक्सपर्ट लेवल के ट्रेडर ना हो आपको पता ना हो आपका क्या स्टॉप लॉस है कितनी आप रिस्क लगाना चाहते हैं तो इतनी लिवरेज में रेकमेंड नहीं करूंगा तो अगर आप यहाँ पे वन भी यूज करना चाहते हैं अगर आपके अकाउंट में केवल हंड्रेड डॉलर हैं, तो मैं कहता हूँ आप इससे ट्रेड कर सकते हैं अगर आप वन इज टू हंड्रेड की लीवरेज यूज करेंगे तो आपके परचेजिंग पावर हो जाएगी टेन थाउजेंड के आसपास उसके बेस पे आप पॉइंट जीरो का एक लोट ले सकते हैं लॉट के ऊपर जो वीडियो बनाया हुआ है वहाँ पर देख सकते हैं मैंने सब चीज़ें हैं डिटेल में बताई हुई हैं कैसे स्टॉप लॉस लगाना है कैसे लॉट निकालने हैं सारा कुछ पर अगर आपको एडवांस लेवल की लेवरेज यूज करनी है तो जैसा मैंने बोला आपको स्टॉप लॉस ये जरूरी है आपको कितना लॉस होना है ट्रेड में उसके बेस पे आप कितने लॉट लगाएंगे दूसरा उसके बाद आप पिप्स कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद आप निकालेंगे कि इतनी लीवरेज आपको यूज करनी चाहिए इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि कैसे आप अपनी लीवरेज निकाल सकते हैं और कैसे आप यूज कर सकते हैं स्टॉप लॉस आपको कैसे हेल्प कर सकता है अपनी लीवरेज डिसाइड करने में तो पर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि आप कैसे लीवरेज निकाल सकते हैं और कैसे उसको यूज कर सकते हैं तो मान लीजिए आपके अकाउंट में हंड्रेड डॉलर है और आपने वन इज टू हंड्रेड की लीवरेज यूज करी है तो इसका मतलब है कि आप टेन थाउजेंड तक का परचेजिंग पावर ले सकते हैं और उसके बेस पे आप बाई या सेल कर सकते हैं उसके बाद आप स्टॉप लॉस की वैल्यू डिसाइड कीजिए कि मैं किसी एक ट्रेड पे दस डॉलर से ज्यादा लूज नहीं करूंगा ये कोई भी आपकी जो अमाउंट है अपना जो अकाउंट है उसके बेस पे निकालिए दो या तीन परसेंट इससे ज्यादा ना रखिए यहाँ पर मैं केवल दस डॉलर ले रहा हूं ताकि आपको समझाने के लिए दस डॉलर के बेस पे मान लीजिए आपने कहा कि मेरे पचास बनते हैं जो मेरा स्टॉप लॉस है और उसके बेस पे मैं लॉट्स निकालता हूँ तो मेरे लॉट बनते हैं वो पॉइंट जीरो में लॉट

मेरा रिस्क भी यहाँ पर बढ़ जाता है ना 10 20 के हिसाब से तो आपको यही डिसाइड करना होगा कि आप सिंगल ट्रेड पर इससे ज्यादा लूज नहीं कर सकते और उसके बेस पे जो भी लॉट्स निकाले क्या वो और मेरी लीवरेज मेरे को अलाउड कर रही है या नहीं उसके बेस पे ही आप निकालें और देखें तो आई होप इस सेशन से आपके काफी डाउट्स लीवरेज के ऊपर क्लियर हुए होंगे अगर कुछ डाउट्स अभी भी हैं मेरे को क्वेश्चन में बता सकते हैं या भेज सकते हैं मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा अगर आप इससे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो शेयर कीजिए और आपकी फॉर एजुकेशन में फॉरक्स सैलरी के थ्रू कोई मदद मिल रही है प्लीज सपोर्ट कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए बताइए आपकी फीडबैक काफी इंपॉर्टेंट है ये अभी के लिए चैनल है ताकि आप कुछ सीख सके जो मैंने सीखा है काफी स्ट्रगल के बाद आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ताकि आपको ये चीजें बिगिनिंग में प्रॉब्लम ना करें तो धन्यवाद थैंक यू टेक केयर एंड गुड बाय